हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आप सबका वेलकम अपने चैनल कुकिंग फूड गुड आइडिया गुड वर्क में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की रेसिपी आपके नाम आपके लिए, तो चलिए शुरू करती हूँ रेसिपी बनाना फ्रेंड। इसके लिए आज गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने एक पॉट लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ए सूखा दूध, दूध पाउडर 2 चम्मच, 3 चम्मच और ए रहा 4 चम्मच फ्रेंड। ओके, अब इसके बाद इसमें जाएगी फ्रेंड, इसमें ना ही मैं घी डालूंगी और ना ही बटर और ना ही शुगर। ये हमारी रागी आटा है फ्रेंड, जिसको थोड़ी मोटी थी तो मैंने उसे मिक्सी में चलाकर बारीक कर लिया है। तो 4 चम्मच मैंने दूध पाउडर डाला है, तो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच मैंने इसमें रागी आटा ऐड किया है। थोड़ी रागी आटा हमारे पास और बची हुई है, तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तो मैंने दूध पाउडर डाला था 4 चम्मच फ्रेंड। तो हमें दूध की मात्रा और आटे की मात्रा बराबर लेनी है, उससे ज़्यादा दूध हो सकती है फ्रेंड लेकिन कम नहीं। तो 8 चम्मच लिया है, 4 चम्मच पहले मैंने डाला, अब ये 5 चम्मच, 6, 7 और ये 8। अब इस रागी और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड, खूब अच्छे से। बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए, कहीं पे आटा ज़्यादा हो और दूध कम, कहीं पे दूध ज़्यादा हो और आटा कम, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बारीक इसको, जो भी इसके अंदर दिख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े दूध वाली चाहे आटे वाली, उन सबको इस तरह से मसलते हुए इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। भले ही आप हाथ से भी मिक्स करो, लेकिन हाथ से ये जो छोटे छोटे टुकड़े दूध के लग रहे हैं या आटा के, वो हाथ से ठीक से नहीं हो पाती फ्रेंड, इसलिए चम्मच से ही मिलाना चाहिए। आप चाहो तो जैसे भी आप मिलाना चाहो फ्रेंड, लेकिन अच्छे से दोनों को मिक्स होने चाहिए, एक साथ बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए, पता नहीं चलनी चाहिए दूध किधर है और आटा किधर है। ये बच्चों के लिए क्या, शुगर वाले के लिए हम लोग इसी तरह से कुकीज बनाकर मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ और बच्चों को भी, क्योंकि शुगर तो हर कोई को नुकसान करता है फ्रेंड। कोई ज़रूरी नहीं है कि शुगर पेशेंट हो तो ही आप शुगर कम खाएं, शुगर का उपयोग कम से कम करें फ्रेंड। आप उसके जगह गुड़ ही थोड़ी यूज करें हिसाब से, तो ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होगी। अब देखो फ्रेंड, ये कितने अच्छे से मिल गई है, देखो इसमें कोई छोटे छोटे टुकड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। ये देखो फ्रेंड, मैंने 2 से 3 चम्मच के अंदर आधी चम्मच से कम
इस वाली चम्मच से नहीं, छोटी वाली चम्मच जो होती है फ्रेंड चाय वाली चम्मच, उससे मैंने ईस्ट को दूध के अंदर आधे घंटे पहले ही डालकर छोड़ दिया था नॉर्मल दूध में। अब इससे हमें इस आटे के अंदर डालनी है, जितनी ज़रूरत होगी उतनी डालकर इसे डो तैयार करनी है, बिल्कुल हार्ड डो तैयार करनी है। ज़रूरत पड़ी तो ऊपर से अलग से भी दूध ले सकते हैं आप, मैं भी लूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। देखो अभी हमें अच्छे से डो तैयार करने के लिए दूध लगेगी फ्रेंड, तो चलिए हाथों से ही मिलाती हूँ ताकि हमारी अंदाज सही रहे। अब थोड़ी सी दो चम्मच दूध और ले लेती हूँ, आप चाहो तो इसके अंदर मलाई भी डाल सकते हो फ्रेंड, क्योंकि हमने घी का इस्तेमाल बटर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप इसे डाल सकते हैं ताकि हमारी कुकिंग बहुत टेस्टी और सॉफ्ट बने। चलिए थोड़ी थोड़ी दूध डालती हूँ और इसको अच्छे से डो तैयार करती हूँ। देखो इस तरह से फ्रेंड अच्छे से मसलते हुए, क्योंकि गीली हो जाएगी तो हमारी ये रागी वाली कुकीज अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि हमने इसे ना तो बटर डाला है और ना ही घी डाला है ना ही शुगर। तो एक चम्मच और मैंने लिया, अब इसे भी अच्छे से मिक्स करती हूँ। आप भी अच्छे से फ्रेंड थोड़ी थोड़ी ही दूध डालकर इसे तैयार करना। हमारी डो लगभग रेडी हो गई है फ्रेंड, मैंने लास्ट में जो दूध लिया था देखो उसमें से बची हुई है, एक चम्मच से ऊपर बची हुई है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी तो मैंने यूज नहीं किया है। अब हाथों में थोड़ी सी घी या बटर आप लगा सकते हो, लगा कर इसे अच्छे से मिला लेना है फ्रेंड। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसकी छोटी छोटी लोई बना लेनी है। आप जितनी बड़ी कुकीज रखना चाहते हो फ्रेंड आप उतनी उतनी साइज की लोई बना लो। मैंने छोटी बड़ी दो साइज की लोई तैयार कर ली है फ्रेंड, और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छे से लोई बना लेनी है, चिकना कर लेना है फ्रेंड। उसके बाद हमें इसमें क्या डिज़ाइन बनानी है मैं बनाती हूँ फ्रेंड, आप मेरे वीडियो पे बने रहना। ये इतनी हेल्दी कुकीज है फ्रेंड कि आप कुकीज दूसरे मैदा या आटा से भी बनाना भूल जाएंगे, और इस रागी के आटे से ही आप कुकीज तैयार करेंगे। और मैंने एयर फ्रायर को, मैं एयर फ्रायर में ही बनाऊंगी क्योंकि हमारे पास ओवन नहीं है फ्रेंड, तो मैं एयर फ्रायर में ही बनाऊंगी, ठीक है। तो एयर फ्रायर को गर्म करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए 180 सेंटीग्रेड पे गर्म करना है फ्रेंड, तो चलिए उसको गर्म कर लेती हूँ। देखिए अब सारे कुकीज को मैंने इस तरह से बना लिया हो, और इस इतना ही मोटा रखना है फ्रेंड कि अच्छे से ये कुक हो सके, और इस तरह से फोक से मैंने डिजाइन बना दिया है, ठीक है। और मैंने एयर फ्रायर को रेडी कर लिया फ्रेंड, 10 मिनट मैंने उसे चला लिया, हीट कर लिया है प्लेट। अब इसके ऊपर फ्रेंड बिल्कुल हल्की हल्की, देखो इस तरह से हमें इसके ऊपर
घी या बटर आप पिघलाकर लगा सकते हो ताकि ये बहुत ड्राई भी आपको खाने में नहीं लगे। ठीक है, इस तरह से। और 15 मिनट के लिए मैं इसे कुक करने के लिए एयर फ्रायर में रख दूंगी। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रेंड, मैंने इसे प्रीहीट कर लिया है। अब इसके अंदर सारे कुकीज़ को इस तरह से एक एक कर रख देती हूँ। इस तरह से रखते जाना है फ्रेंड। आप एक बार ज़रूर इस कुकीज़ को बनाना फ्रेंड। ये इतनी हेल्दी है मैं आपको क्या बताऊँ, इसलिए नहीं कि मैं रेसिपी बना रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ, नहीं, आप एक बार ज़रूर बनाना और बच्चों को देना, खुद भी खाना फ्रेंड, और गेस्ट को भी खिलाना। गेस्ट ज़रूर पूछेंगे कि कौन सी आटे से बनी। अब इस एयर फ्रायर के अंदर सारे कुकीज को डाल दिया है फ्रेंड, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ही मैंने डाल दिया है, और लाइट चली गई है। अब वेट करना होगा फ्रेंड, क्योंकि एयर फ्रायर बिना लाइट का चलता नहीं है। 10-15 मिनट हो गई फ्रेंड, देखती हूँ निकाल कर। हमारे कुकी कभी कभी बहुत कम टाइम में ये अच्छे से नहीं पकी है, मुझे 15 मिनट और ही कुक करने के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने 10 मिनट के लिए अभी लगा दिया है। और 10 मिनट के बाद देखते हैं फ्रेंड।